ये बढ़ती हुई उम्र, भविष्य की चिंता और जिम्मेदारियां, इन गलियों में घूमते हुए की जिंदगी इन्हीं उलझनों में उलझी हुई है। वाइन का ड्रीम पोस्ट है जीएसटी इंस्पेक्टर। जैसे तुमको ये आई कार्ड मिलेगा उसी तुमको कैसा फील होगा बताओ भाई? इसी के लिए मेहनत करना है ना। भाई ये गाना मैं सुनता था जब मैं तैयारी करता था और मुखर्जी नगर पे बैठता था और जब कोचिंग जाता था तो कान में यही गाना चलता था मेरे। आज मैं फिर से मुखर्जी नगर जा रहा हूँ और यही गाना चल रहा है। कभी इन गलियों में धक्के खाया करता था मैं यार, बहुत सारे दिन याद आ रहे हैं। 4 साल बाद वापस आ रहा हूँ मैं यहाँ मुखर्जी नगर में और अलग ही वाइबिंग है। ऐसा लग रहा है कि फिर से वही फेज आ गया, वही फीलिंग। मॉक टेस्ट देने के लिए पैदल पैदल वहाँ से यहाँ तक चलते हुए आओ और मॉक में 50 नंबर आ रहे हैं, फिर उदास होकर वापस घर जाओ, फिर थोड़ा सा जोश भरो कि नहीं करना है करना है, फिर 50 तरीके की दिक्कतें, पैसे नहीं हैं, किराया देना है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, किताबें नहीं हैं, फिर से वही मोटिवेशन कि नहीं इन सबको पाना है तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा। भाई यहाँ से गलियाँ शुरू हो रही हैं मुखर्जी नगर की और पहुँच गया हूँ मैं लगभग। एक्शन लेने के बाद पहली बार आया हूँ। देखो इन गलियों में कभी घूमा करते थे हम, कभी किताबें ढूंढ रहे हैं, कभी नोट्स ढूंढ रहे हैं, कभी किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, भाग रहे उसके पीछे कि सर ये बता दो, ये डाउट है, ये बता दो, ये डाउट है। वाह क्या दिन थे यार वो, देख रहे हो यहाँ सब कुछ है। तैयारी करने वाले तुम्हें ऐसे दिखाई देंगे जैसे कि पागलों की तरह घूम रहे हैं, तो प्यार करने वाले को ऐसे दिखाई देंगे कि उनसे ज़्यादा शिद्दत का प्यार किसी का है ही नहीं। तो कोई पिक्चर बढ़ा के देखा करते थे, उस समय आई थी गेम ऑफ थ्रोन्स, तो 50 रुपये में एक सीजन भरता था और 50 रुपये में एक फिल्म भरवा के अपने लैपटॉप में देखता था। यहाँ कभी समोसा खाया करते थे मगरवाल से, अब तो बहुत ही हो गया है, अभी खाएंगे मोमोस। ये देखो नोट्स की दुकान है, इन नोट्स के पीछे भागा करता था मैं कभी। होर्डिंग्स लगे हुए हैं चारों तरफ, सब कोई तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो SSC तुम्हारी निकाल सकते हैं, लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ कोई नहीं निकाल सकता। तुम अपना एग्जाम तुम खुद के दम पे पास कर सकते हो और कुछ नहीं। भाई यही है बत्रा, यहाँ क्लास चलती थी मेरी जब मैंने सबसे पहली बार KD कैंपस ज्वाइन किया था ना। वो देखो KD कैंपस दिख रहा है, एक सिनेमा हॉल हुआ करता था पहले, लेकिन अब इसमें क्लासेस चलती हैं बड़े पर्दे पे। तो यहाँ मैं सबसे पहली क्लास मेरी यहीं हुई थी। यहाँ सब कुछ करते हैं भाई, तैयारी करते हैं, सारे त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अपने परिवार के साथ तो रहते नहीं हैं, तो जो दोस्त बनते हैं उन्हीं के साथ सब कुछ करते हैं, एक नया परिवार इनका बन जाता है यहाँ पे। चलो तो तुम्हें बत्रा दिखाता हूँ, बत्रा अंदर से कैसा है, क्या सिस्टम है यहाँ। लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई प्री में कितने बन रहे थे, मेंस का पेपर कैसा दिया। ये रहा भाई बत्रा, अंदर क्लास चलती है, अलग इमोशन है ये। कोई कुछ बातें कर रहा है, कोई कुछ बातें कर रहा है, तुम भिन्न भिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे तुम्हें यहाँ। माफ़ी चाहूँगा कि कैमरा मेरा थोड़ा टूट गया है, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी एक नया फ़ोन ले लूँ ताकि वीडियोस अच्छे से दिखा सकूँ आप लोगों को। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक किया करिए। यहाँ से मैं 200 रुपये में टी शर्ट और जैकेट खरीदा करता था यहाँ पे, और जैसे ही स्कूल पढ़ा के यहाँ से टीचर निकलते थे ना, यहाँ बच्चों की भीड़ लगती थी और हम पीछे पीछे भागे आते थे, सर ये डाउट कैसे होगा सर ये। ओहो क्या दिन हुआ करते थे वो, ये देखो। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट मैंने ये रहेगा कि मैं यहाँ लड़कों से पूछूंगा कि SSC की तैयारी कौन कर रहा है, और अगर वो SSC की तैयारी कर रहे होंगे तो मैं उन्हें अपना आई कार्ड दिखाऊंगा और बोलूंगा कि क्या तुम्हारा ड्रीम है ये और तुम क्या कर रहे हो इस ड्रीम को पाने के लिए। ठीक है चलो ट्राई करते हैं एक बार। आप लोग इनको इनकम टैक्स चाहिए, अब मैं इनको एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ। सरप्राइज ये है भाई, आज से 3 साल पहले मैं इनकम टैक्स करता था और आज भी हूँ। अब अगर आपका आई कार्ड ये होगा तो आप कैसा फील होगा? अब आके तैयारी करिए, ठीक है, और इस बार ये आई कार्ड आप लोगों के पास ही है। ठीक है भाई, बाकी बोल दीजिए कि भाई
देख के मुझे अपना दिन याद आ रहा है यार। ऐसी करनी है ना भाई, नंबर ले आके भारत का नक्शा रखना सामने और जहाँ उंगली लग दे वहाँ पोस्टिंग मिलनी चाहिए, बस यही बात। ठीक है भाई, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर भाई, ऐसा लगा तुम लोग है क्या आप कोचिंग वाले हो, कुछ बताओगे इसीलिए तो मैं बोला कि काम क्या था ले बताओ। ऐसे एक दिन उस बंदा मिला नहीं था, बस मोटिवेट करने के लिए था ये, ऐसा कुछ नहीं है कोई। भाई लोग मोटिवेट रहे हैं, जल्दी जल्दी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करें। और हमारे रिकॉर्ड करने वाले या हमारे यूपीएससी वाले हैं, अब मुझे इनसे मोटिवेट होना है क्योंकि अगला टारगेट तो मेरा वही है। हाँ भाई आपका नाम क्या है? अभिषेक। इनको देख के ना मुझे अपने दिन याद आ रहे हैं 2018-19 के, मतलब क्या बताऊं, इतनी खुशी हो रही है ना मुझे यहाँ आके और ऐसे लोगों से मिलके। मैं जानता हूँ ये भाई भाई की बात है, लेकिन उससे कम पूरा ठीक है भैया। मोमोज नहीं तो ना भाई आ गया अपना वेज मोमोज, लेकिन इसको खाऊंगा नहीं मैं क्योंकि मैं खाता नहीं हूँ, जानते हैं आप। मैं नॉनवेज मोमोज खाता हूँ यार, पता नहीं क्यों आदत है मेरी। भाई लोग के साथ मोमोज खा लिए, अब किसी और को ढूंढते हैं, शायद कोई और मिले सीजन वाला, क्योंकि यहाँ पे मिक्स है ना, पता नहीं चलता कौन यूपीएससी कर रहा है कौन सीजन चल रहा है। एक दो बार पूछना पड़ता है भाई सीजन की तैयारी कर रहे हो क्या, उसके बाद कुछ पता चलता है। चलो ठीक है दूसरे को ढूंढते हैं। ये यहाँ की शाम भाई, संडे की शाम ऐसी होती है यहाँ पे, बैठ का कोई किताब खरीद रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई सुट्टा पी रहा है, कोई जूस पी रहा है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। भाई इनका ड्रीम पोस्ट है जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने तुमको ये आई कार्ड मिलेगा उसे तुमको कैसा फील होगा बताओ। ये मेहनत करना है ठीक है ना, फुल मोटिवेटेड रहना है, सीजीएल की बैंड बजा दी है क्या और कमी है, बैंड बजानी है कुछ भी करे पाँच खाएगा नहीं नहीं खाएंगे भाई चाय तुमको खाएंगे, आ जाओ भाई कुछ खाते हैं। चलो बहुत रात हो गई घूमते घूमते, बहुत लोगों से मिला, एक चक्कर और लगाऊंगा और फिर चलेंगे घर।